लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राक्षसों के आदरणीय वीरवर शंबरासुर की जय जय हो। जय हो। सुमाली, माली, माल्यवान, हमें यहाँ आने का सम्मान देकर तुमने हमारा बल दुगना कर दिया है। युगों के पश्चात एक राक्षस वीर को अपने सामने देखकर हमें कितनी प्रसन्नता हुई ये हम बता नहीं सकते। वीरवर, अब आप ही हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। तुम्हारे दूत कुरंजन ने हमें विस्तार से बता दिया है कि कुबेर देवताओं का प्रोत्साहन पाकर नीचता पर उतर आया है और एक बानर के बच्चे को हमें सताने के लिए साधन बना रहा है। इस बैर का प्रतिशोध लेने का एक ही उपाय है, देवताओं पर आक्रमण। देवताओं पर आक्रमण? परंतु वीरवर, इस समय हमारी शक्ति छीन हो गई है। राक्षस यत्र तत्र बिखर गए हैं। वो बिखर गए हैं तो उन्हें एकत्रित करना हमारा काम है। तुम्हारी वाणी में वो शक्ति है कि तुम्हारी एक ही पुकार पर पृथ्वी और पाताल के कोने कोने में छिपे हुए राक्षस निकलकर बाहर आ जाएंगे और अपनी आन और सम्मान को फिर से पाने के लिए अपने प्राणों पर खेल जाएंगे। आप सत्य कह रहे हैं वीरवर। ठंडी नसों में बहने वाला हमारा रक्त बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। हम अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए रक्त की नदियां बहा देंगे। दत्त गुरु शुक्राचार्य को भी तुमने ये संदेश अवश्य पहुंचाया होगा जो हमें पहुंचाया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहलवाया है कि अभी कुछ समय और चुपचाप बैठे रहो, अब जो करना है हमारा नाती रावण करेगा। वही नाती जो ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काट काट कर अग्नि में झोंक रहा है? हाँ वीरवर, वही। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा है कि वो अवश्य अपनी तपस्या में सफल होगा। तुम प्रतीक्षा करो। दैत्य गुरु जो चाहे कहें, यदि हम छुप छुप कर प्रतीक्षा करते रहेंगे तो राक्षस राक्षस नहीं रहेंगे, वो कायर मनुष्य की तरह शक्तिहीन और बलहीन हो जाएंगे। अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र देवताओं पर आक्रमण करना ही होगा। सोमाली, जो आ गया वीरवर शंबरासुर। तुम इधर से राक्षस वीरों का आह्वान करो, हम उधर से करते हैं, फिर दोनों की वीर सेनाएं मिलकर देवताओं पर धावा बोल देंगी। अब हमारी भेंट देवासुर संग्राम की युद्ध भूमि में होगी। वीरवर शंबरासुर की जय। पुत्र हनुमान, मैंने तुझे श्रृंखलाओं से क्या बांधा, तू तो एकदम ही शांत हो गया है। कहाँ गया वो तेरा नटखटपन? मेरा नटखटपन पवन के साथ उड़ गया माँ। अब तो मैं सदा तुम्हारे पलंग के पास ही बैठा रहूंगा। कैसी बातें कर रहा है मेरे लाल, बालपन में ऐसी समझदारी भरी बातें शोभा नहीं देती। यही तो तेरे खेलने के दिन है। तुम्हें मेरा खेलना कहाँ सुहाता है माँ? मैं खेलता हूँ तो तुम रूठ जाते। पर ऐसा भी क्या खेलना पुत्र जिससे ऋषि मुनियों को कष्ट हो? वे ऋषि मुनि सदा मेरे विरुद्ध तुम्हें भड़काते रहते और तुम मुझे दंड देती रहती हो। ऐसे खेलने से तो न खेलना अच्छा। अच्छा पुत्र, जा खेल कूद, मैं तुझसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। बस दूसरों को कष्ट ना देना, इतना ही चाहती हूँ मैं। मैं जानबूझ के किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता माँ। हाँ, मेरे खेल से किसी को कष्ट पहुँचे तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। बड़ा चतुर है हनुमान, जैसा दिखाई देता है वैसा भोला भाला है नहीं। माँ से ये वचन लेना चाहता है कि तू जितनी उछल कूद करे उधम मचाए और मैं तुझसे कुछ ना कहूँ। वचन देने से पहले अच्छी तरह सोच लो माँ, यदि वचन नहीं दोगी तो मैं यहीं रहकर तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। अच्छा, अब बड़ी बड़ी बातें ना कर और जा खेल। जाओ माँ। जा, मैं कह रही हूँ जाओ। हाँ हाँ। चुक चुक जियो मेरे लाल।
वन में रहने वाले वंचारियों, यह हनुमान तुम्हें अपना मित्र बनाने आया है। मेरे मित्र बनोगे ना वंचारियों? मैं अभी तुम्हें एक चमत्कार दिखाता हूँ। तुम लोग मेरे जैसे वानर बनकर मेरी बोली में बोलने लगोगे। करने आया हूँ। हम सब साथ साथ खेलेंगे, कूदेंगे और चारों ओर धूम मचाएंगे। वीर हनुमान की जय! वीर हनुमान की जय! देखो, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, ना किसी को दुख देना, ना किसी से दुख पाना, समझ गए? हनुमान, तुम हमारे नायक हो, जैसा ही तुम कहोगे वैसा ही हम करेंगे। लोग समझते हैं कि वानर सब तो मूर्ख होते हैं, हम उन्हें दिखा देंगे कि वानर सबसे चतुर होते हैं। तो चलो अंगवान ऋषि के आश्रम में। अंगवान ऋषि के आश्रम में जाकर हम क्या करेंगे हनुमान? ज्ञान पाएंगे, ज्ञान बांटेंगे। चलो। ओम अग्नि देवाय हविर्भो स्वाहा। ओम अग्नि देवाय हविर्भो स्वाहा। ओम अग्नि देवाय हविर्भो स्वाहा। हवन कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हवन करेंगे। हाँ हाँ, अवश्य करेंगे। तो मैं यहाँ पीछे छुप के देखता हूँ कि तुम हवन कैसे करते हो। देखो, भूल ना करना। नहीं, हम भूल नहीं करेंगे। तो जाओ। धर्मात्माओं से मार खाकर तुम अपना धर्म मत छोड़ो। जो ये ऋषि मुनि ना कर सके वो तुम करो। जाओ, डरो मत, आगे बढ़ो। कौन है ये जो इन मूर्ख वानरों को भड़का रहा है? ये वानर मूर्ख नहीं है ऋषिवर, मूर्ख वो होते हैं जो इन्हें मूर्ख समझते हैं। आप जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए तो संसार के सारे प्राणी एक समान है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? लगता है गुरुवर, ये हनुमान ही है। वो हमें सताने फिर आ गया है इन वानरों की सेना लेकर। हनुमान? कहाँ है हनुमान? जो मुझे क्रोध से देखेगा उसे मैं नहीं दिखाई दूंगा। वानर मित्रों, आज का धर्म कार्य संपन्न हुआ, आओ लौट चले। इन ऋषि महाराजों को हमारे कारण कष्ट नहीं होना चाहिए। ऋषि गणों, अब हमें इसका कुछ उपाय करना ही होगा। हम कब तक इस उपद्रवी हनुमान के उपद्रव सहते रहेंगे? आप सहते रहेंगे ऋषिवर, हमें कुछ करना ही होगा। नारायण नारायण। प्रभु, ये नारायण नारायण की गूंज कहाँ से आ रही है? नारायण का नाम तो सदा नारद मुनि के मुख से ही प्रवाहित होता रहता है। देवी, क्या तुम नारद के स्वर को भी नहीं पहचानती? पहचानती हूँ प्रभु, किंतु आज की गूंज में
और भी कई स्वर मिले हुए हैं। ये सब स्वर नारद की आत्मा से ही निकल रहे हैं देवी। लगता है आज नारद की भक्ति भावना अधिक बढ़ चढ़ कर उमड़ रही है। किंतु प्रभु, नारद दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? ये लीला उनकी है या आपकी? आज भक्त भगवान को अपनी लीला दिखा रहा है देवी। तुम भी इस लीला का आनंद लो। इस लीला का आनंद आप ले सकते हैं प्रभु, मैं नहीं। नारद का स्वर सुनाई दे और नारद दिखाई ना दे तो मेरी उद्विग्नता बढ़ जाती है। तो फिर प्रार्थना करो नारद से कि वो अपनी लीला त्याग कर तुम्हें दर्शन दे। अच्छा विनोद कर रहे हैं भक्त और भगवान मिलकर मेरे साथ। नारद, तुम्हें लक्ष्मी और नारायण दोनों पुकार रहे हैं, दर्शन दो देवर्षि। नारायण नारायण, प्रणाम भगवान। बैकुंठ धाम में आपके गुण गाता हुआ आ गया हूँ आपकी सेवा में। नारद, आप हमारे साथ ये आंख मिचोली क्यों खेल रहे थे? नारायण नारायण, लक्ष्मी माता, बालक यदि माता के साथ आंख मिचोली खेले तो माता उसे क्षमा तो करती ही है, साथ साथ उस पर स्नेह का अमृत भी बरसाती है। परंतु आप तो मुझे रोज दिखा रही हैं, ऐसा क्यों माता? अर्थात आप यहीं पर थे? हाँ माता, मैं तो बैकुंठ लोक के विष्णु भक्तों को नारायण की महिमा सुना रहा था। प्रभु, क्या नारद सत्य कह रहे हैं? हाँ देवी लक्ष्मी, नारद तो यहीं थे वैकुंठ धाम में, मगर तुम उन्हें देख नहीं पा रही थी। ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम था। मैं तो अपने भक्त को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अर्थात भक्त और भगवान मिलकर मुझे चकित कर रहे थे? क्षमा करें माता, प्रभु तो ऐसी लीलाएं करते ही रहते हैं। एक बार मैंने की तो क्या मैं क्षमा का पात्र नहीं हूँ? प्रभु, रावण की तपस्या सिद्धि और तीव्रता से बढ़ रही है। रुद्र के 11वें अवतार मारुति बजरंगबली अपनी बाल लीलाएं दिखा रहे हैं। पृथ्वीवासी आपके अगले अवतार की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कब दर्शन देंगे प्रभु? अच्छा नारद, आप ये चपलता इसलिए दिखा रहे थे कि प्रभु पृथ्वीलोक पहुंच जाए और मैं उनका वियोग सहती रहूं? नारायण नारायण, ये आप क्या कह रही हैं माता? लक्ष्मी नारायण की जोड़ी तो सदा साथ रहने वाली जोड़ी है, वो चाहे भगवान भगवती के रूप में हो या नर नारी के रूप में। परंतु नारद, अब ये परंतु कहाँ से आ गया? परंतु मैं प्रभु से ये पूछ रहा था कि पृथ्वी वासियों को और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी। नारद, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि मनुष्य अत्रुपा के मन में मनुष्य जन्म पाने की प्रेरणा तुमने जगाई और मुझे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान देने के लिए विवश किया। अब कुछ और प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। परंतु कब तक प्रभु? जिन्होंने आपकी भक्ति को अमर करने के लिए जन्म लिया वो रुद्र अवतार हनुमान भला आपकी कब तक प्रतीक्षा करेंगे? नारद, मेरे होने वाले माता पिता मनु शत्रुपा, अब अयोध्या नरेश अज के पुत्र दशरथ और कौशल पुत्री कौशल्या के रूप में प्रकट हो चुके हैं। परंतु मेरे नए अवतार से पहले बहुत कुछ होना शेष है। तब तक पृथ्वीवासियों को हमारी प्रतीक्षा करनी होगी नारद। नारायण नारायण, आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। राक्षस वीरों, आज तक हम विष्णु और देवताओं के भय से पृथ्वी और पाताल के कोनों में छुपे बैठे थे, परंतु अब हम सारी भय भावनाओं को निकाल फेंक चुके हैं। हमने निश्चय कर लिया है कि हम देवताओं से अपनी पिछली पराजय का बदला लेंगे। राक्षस वीरों, यह समय उन्माद का नहीं चतुराई से काम लेने का है। देवताओं की कपट नीति और कूट नीति से हम सब लोगों को सावधान रहना है। हमें फूंक फूंक कर आगे पग बढ़ाना है और अभिमान में फूले हुए शत्रु पर जमकर प्रहार करके उन्हें परास्त करना है। राक्षस वीरों, ये युद्ध राक्षस जाति के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध होगा। या तो हम पृथ्वी और स्वर्ग पर विजय प्राप्त करेंगे या फिर मिट जाएंगे। वो जीवन किस काम का जिसमें
भय की काली छाया सदा हमें डराती रहे। हम संपूर्ण राक्षस जाति का आह्वान करते हैं कि वो मृत्यु का वरल करने के लिए तैयार होकर विजय प्राप्त करें। इस महायुद्ध में या तो हम विजय प्राप्त करेंगे या मृत्यु। राक्षस राज वाली की जय। 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 के कसी, तुम्हें समय आया? सब कुशल तो है? तात, तात अभी वो समय नहीं आया। मेरे रावण के बिना आपका अभियान अधूरा रह जाएगा। उसके वरदान पाने तक प्रतीक्षा कर लीजिए। नहीं केकसी, अब हम यहाँ अनिश्चित काल तक के लिए नहीं रुक सकते हैं। वे धूर देवता रावण की तपस्या भंग करते रहते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। देवताओं के इसी षड्यंत्र का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए हमें उन पर आक्रमण करना होगा। एक बार फिर सोच लीजिए तात, मेरा रावण किसी भी युद्ध में अजय रहेगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। वो आपके साथ रहेगा तो आपकी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। तो तुम ये कहना चाहती हो केकसी, रावण के बिना हम ये युद्ध हार जाएंगे? हाँ, राक्षसों में एक नया तेज जगा है, हम उनके विजय अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। सुवाली, केकसी और रावण के मोह में कहीं राक्षस वीर हमारा साथ ना छोड़ दें। केकसी, एक बार युद्ध के लिए उठे ये चरण, रुकेंगे नहीं। चलो राक्षस वीरों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राक्षस वीर सुवाली की जय। राक्षस वीर सुवाली की जय। राक्षस वीर सुवाली की जय। राक्षस